रोजगार सेवकों ने वीडियो पर लगाए संगीन आरोप, धरना प्रदर्शन बिसौली बदायूं। खंड विकास अधिकारी के भड़काने पर प्रधान पुत्र ने रोजगार सेवक पर जान से मारने की नीयत से विकास खंड परिसर में ही तमंचा तान दिया। वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू में करके मैं तमंचा पुलिस को सौंप दिया। इसी बात को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने वीडियो पर रिश्वत मांगने व विरोध पर संविदा समाप्ति की धमकी देने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया, जहां रोजगार सेवकों को 25 माह से मानदेय नहीं मिला। वहीं अधिकारी भी उनसे धन उगाही का प्रयास कर मानसिक उत्पीड़न में जुटे हैं। रोजगार सेवकों का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी उनसे 5,000 की रकम देने को दबाव बना रहे हैं। ना देने पर ग्राम प्रधानों को उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का दबाव बना रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पप गांव के प्रधान ने रोजगार सेवक के खिलाफ प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किया। आरोप है कि रोजगार सेवक राजेंद्र ने जब प्रस्ताव न देने का निवेदन किया तो प्रधान पुत्र आरिफ ने लोडेड तमंचा तान दिया। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे तैसे राजेंद्र को बचाया और आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उक्त घटनाक्रम के विरोध में रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कार्यालय परिसर में धरना देकर वीडियो को हटाने की मांग की है। वीडियो के हटाने तक कार्य बहिष्कार करने की बात कही गई है। धरना स्थल पर देवकी नंदन, शिव अवतार, परमानंद, गिरीश, अजीत, राजेश यादव, विजयपाल, राधाचरण, गौरव गांधी, कुलदीप, पृथ्वीराज, दीपचंद, जितेंद्र, पवन कुमार, मुकेश, मीना शर्मा आदि रोजगार सेवक मौजूद रहे। रोजगार सेवकों ने वीडियो पर लगाए संगीन आरोप, धरना प्रदर्शन बिसौली बदायूं। खंड विकास अधिकारी के भड़काने पर प्रधान पुत्र ने रोजगार सेवक पर जान से मारने की नीयत से विकास खंड परिसर में ही तमंचा तान दिया। वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू में करके मैं तमंचा पुलिस को सौंप दिया। इसी बात को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने वीडियो पर रिश्वत मांगने व विरोध पर संविदा समाप्ति की धमकी देने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया, जहां रोजगार सेवकों को 25 माह से मानदेय नहीं मिला। वहीं अधिकारी भी उनसे धन उगाही का प्रयास कर मानसिक उत्पीड़न में जुटे हैं। रोजगार सेवकों का आरोप है कि खंड विकास